हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 फैक्ट्स के बारे में, जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये मनोविज्ञान के ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ कहीं भी मनोविज्ञान, जहाँ कहीं भी साइकोलॉजी आता है, वहाँ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फैक्ट है, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, मतलब साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? तो वो है अरस्तु। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर हमारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। यहाँ पर पूछा है आधुनिक मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो वो है विलियम जेम्स। थर्ड फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड फैक्ट कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जो बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो वो दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? जो बुद्धि का परीक्षण होता है उसके जन्मदाता, मतलब ये बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दो और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दो और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत था वो दिया था स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दो और तीन का तो दिया था स्पीयरमैन ने, त्रिआयाम का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जो समूह खंड बुद्धि थी उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था हमारा थर्स्टन ने। नेक्स्ट है प्रयास और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है एसआर सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जो एसआर थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन का सिद्धांत किसने दिया? जो साइन का सिद्धांत था वो किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? व्यवहारवादी मतलब बिहेवियर जो साइकोलॉजी था वो किसने दिया था? तो वो दिया था जेवी वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, जो अधिगम या व्यवहार के जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो वो कौन थे? वो थे क्लार्क हल। नेक्स्ट है बुद्धि का और खाका सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था हेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो सीहेल हल ने दिया था। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आ जाते हैं। और मैं कम टाइम में आपको 20 फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये किसी भी पार्ट में आ जाते हैं, मतलब अगर पेडागोजी आती है तो पेडागोजी के किसी भी पार्ट में आ जाते हैं। 16 है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था बी एफ स्किनर ने। नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो शास्त्रीय अनुबंधन था वो किसने दिया था? वो दिया था इवान पावलोव ने। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जो सामाजिक अधिगम था, सोशल लर्निंग की थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो वो की थी एल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? जो शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन है? वो है बॉल्फ। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन।